इकरा के लिए एक सरप्राइज। उधर गोटा बदलवा देते मैंने 50,000 जिसके हाथ में आती है उसका जोर चलता है। आपको पता है कि पिछला व्लॉग हम लोगों ने रुक्सी एंड होते ही एंड कर दिया था और अब हम जा रहे हैं अरीब की तरफ, अरीब के घर पे है इकरा के लिए एक सरप्राइज। अच्छा मैं देखो क्या बोल रही हूँ भला, अब हम जा रहे हैं अरीब की तरफ। भाई अब मैं जा रही हूँ अपने घर जा रही हूँ अरीब की तरफ, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। देखा आहिस्ता आहिस्ता, और अभी पता है मेरे माइंड में अभी मैं अरीब से बात करी थी कि अभी मेरे रिफ्लेक्सेस मुझे ये कह रहे हैं कि अच्छा अरीब मैं कहीं से जा रही हूँ वापस, और अरीब जो है वो मुझे अपने घर से उन्होंने कुछ चीज लेनी है और वहां से के बाद मुझे मेरे घर ड्रॉप करना है। कसम से मुझे अभी वो फील आ रही है कि अभी मैं वापस अपने घर पे ड्रॉप होंगी, लेकिन ऐसा ऐसा आदत हो जाती है इंसान को चीजों की, और आदत क्या हो जाती है। अब तुम अपने घर जा रही हो, तुमने अपने इस घर को घर बनाना है, अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे तुम्हारी अम्मी एक घर चलाती थी अब तुमने एक घर चलाना है, और ये आसान काम नहीं है। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी एंड आई नीड योर हेल्प because I am not that much mature so I can handle different stuff at a time so mere liye thoda sa milke hi chalta hai sab kuch, aise nahi hota ki ab mujhe khana banana bilkul bhi nahi aata so I don't know kis tarah se mujhe khana banana nahi aata lekin mujhe khana aata hai ha mujhe bhi khana badhiya aata hai lekin jaake dekhenge hum apni life ko hum dono kaise manage karte hain और किस तरह से अरीब मेरी हेल्प करते हैं और मैं उनकी हेल्प करती हूँ। कुछ चीजों में मैं बहुत अच्छी हूँ, कुछ चीजों में आप बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह। वी कंप्लीट ईच अदर, ऐसे ही होता है। शादी इसी का नाम है, शादी इसी का नाम है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि आप वो है तो परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। नो नोबडी इज परफेक्ट, दो इम्परफेक्ट मिलते हैं तो एक पीस बनता है कम्प्लीट। अभी तो इकरा गोडा भराई भी करेगी, तुम्हारी बहनों ने तो मुझे बहुत लूटा, मेरा भाई लूटेगा। अरे मेरे इस्लामियों का पैकेट किधर? लेकिन इंजॉयमेंट रस्म होती है, मैं इस चीज को इंजॉय करूंगी। मुझे लगता है हमारे एक ही तो भाई है, एक सरप्राइज है और गोडा फड़ाई की रस्म होनी, और गोडा फड़ाई की रस्म करने वाले हैं बिल्ली के डैडी, यानी कि हमारी जो क्यूटी सी बिल्ली है हमारा सुहान है ना, उनके डैडी करने वाले हैं। तो अब हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने घर पे, अब वहां जाकर जो भी सूरत हाल होगी आपको दिखाएंगे। लास्ट गो, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्योंकि आप लोगों को एक चीज तो बता दूं, अपनी शादी के दौरान जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ ना गाइज, ये बड़ी हिम्मत का काम है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। और दूसरी चीज मैंने देखा है कि लोगों ने इतने एडिट्स बनाए हैं, इतने प्यारे प्यारे एडिट्स बनाए हैं, तो अगर हमें टाइम मिला ना हाँ। तुमने एक बार उन पे रिएक्ट करना, ठीक है? हम दोनों मिलकर रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर। डन डन डन, मुझे पता है, मैं अपनी स्टोरी पे भी रीशेयर करती हूँ, मुझे किसी के एडिट्स बहुत पसंद आते हैं इंस्टा पे, हम ऐसा भी कुछ करेंगे, ठीक है? यस डन डन, अभी चलते हैं और दिखाते हैं, लेट्स गो। सरप्राइज सरप्राइज, हम लोग अब जा रहे हैं पहले सरप्राइज की तरफ, तो आर यू रेडी? यस आई एम। मैंने कहा रो तो तुमने बहुत लिया, अब थोड़ा सा मैं खुश भी किया जाए, जरा मजा आए, तुम एंजॉय करो हाँ? तो इकरा की जरा ग्रैंड एंट्री करें हम, जरा मजा शुगा लो। तो एक तो आप मुझे मेहंदियों पे ग्रैंड गाने से आप मुझे डेडिकेट करके सरप्राइज देते हो, अभी यहाँ पे नई नई चीजें आप कर रहे हो, लेट्स सी कि क्या करते हो। अभी मैं भी क्लू लेस हूँ ऐसे, चलो अभी चलते हैं। चले, ओए घर कितना खूबसूरत डेकोरेट हुआ है, माशाल्लाह। वाओ गाइस, मेरा मेरा मेरे अम्मी अब्बू का घर भी इतना प्यारा सजा हुआ था, ये मेरा घर भी कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अब मेरा वेलकम होने लगा है यहाँ पे, और मैं ये कैमरा अपना किसी और को पकड़ाऊंगी ताकि मेरा वेलकम रिकॉर्ड हो। Oh, 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 oh,
आज सरप्राइज थोड़ा सा खराब हो गया था, आधे चले आधे बाहर चले, लेकिन स्विच नहीं था, स्विच नहीं लगा हुआ है, तार टूट गई थी। लेकिन ये वैसे ओवरऑल ये अभी अभी आगे भी बहुत चीजें हैं, अभी बहुत चीजें होनी है, अभी साथ साथ आगे भी चलते हैं, ठीक है। अभी एंट्री आपको नर्वस हो रही है थोड़ा सा, लेकिन सही हो गया था। चलो तुम्हें तुम्हारे सास ससुर से मिलाऊं, सबसे पहले सास ससुर और कोई भी नहीं है। पोज हम रिक्रिएट करके आए हैं आज। तुम क्या बात बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि जब हमारा अभी वहाँ पे बारात का शूट हो रहा था ना, तो मुझे ये पिक्चर बहुत याद है। मैं बैठी हुई थी और अरीब को ऐसे ही खड़ा करके हमने कहा अरीब आके अम्मी अब्बू की पिक्चर रिक्रिएट करते हैं, उनके जन्नत में जगह दे। मेरी अम्मी बोलते तो मेरे ख्याल से इस टाइम उनसे अगर कुछ कोई भी ना होता, ये मुझे पता है, ये बात मैं हर लिख कर लेकर देख सकता हूँ, मेरी अम्मी या मेरे अब्बू ज्यादा कुछ कोई भी ना होता। चलो वैसे मैं भी रो पड़ूंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم جزاك الله خير ویلکم ٹو رونے والا ہوم بچے یہاں بچے اپنے 24 گھنٹے روتے ہیں کوئی بات نہیں بچے بھی روتے ہیں اور بڑے بھی کرتے ہیں بڑے کو عادت ہو گئی ہے تو یہاں پہ تمہیں ہر چیز ملے گی ہر قسم کا ساؤنڈ ملے گا جب سارے آئے ہوں گے ویمل کم ہیئر ہائے ہاؤ آر یو زیمل ہاؤ آر یو گیو می ا کس گیو ا کس تھینک یو बाकी वो छोटे हैं उनको बुला के मिलवा नहीं सकता। बिल्ली को आप जानते हैं। ये जी ये आपके चीजें इमानत आपकी मेरी तरफ से देगा? मेरी सिस्टर्स अरीब ने जैसे अपनी सिस्टर्स को गिफ्ट दी है मेरी तरफ से मेरी सिस्टर्स जो यहाँ पे हैं। भाई ये गोटा पकड़ाई शुरू हो गई है और हमने 10,000 में डील कर लिया है। 10,000 में डील ली है ये है गोटा टाइट हो गया। एक ही डेट है कम से कम 63,000। रेट कितने होते हैं? 63। नहीं नहीं 60 पे क्यों गए हैं आप? डेट आपने बिल्ली के भी अंदर ही डाल ली है। बिल्ली तो लगा है तो रोज अगली आ करेगा। चलो फाइनल 20,000 रुपया। क्या 20,000? गोड्डे मेरे पकड़ रहे यार, ऐसे हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ना, पैसे नहीं चाहिए, iPhone 15 चाहिए बस। iPhone 15 तो उधर गोटा बदलवा देते मैं यार। पहला डेट ने कुछ मांगा है, पहला वो भी हक से, तो इसको इनकार। चलो डील करते हैं। क्या डील करो? फाइनल फेयर डील, फाइनल 50,000। तो पूरी चाची पकड़ी हुई है। चाची जल्दी नहीं, 50,000 बहुत ज्यादा। क्यों ज्यादा है? ठीक है, नहीं ज्यादा ज्यादा है। आप अपने भाई की साइड ले, बदल गई है, बदल गई। आप मुसलमान की होती है। चलो 50,000 रुपए मैं दिल कर रख के ना मान लेता हूँ। मैंने बहुत पेड़ वाला मैं मान लिया, मुझे ज्यादा बार्गेनिंग नहीं है। मैं अपनी भाभी की बात मान ली। 30,000 फाइनल करना है। क्या 30,000 करना पड़ेगा? 30 ठीक है ना? 30 क्या ठीक है? 30 में तो कुछ भी नहीं आता। वो 3 गुना 5 गुना ज्यादा खूबसूरत है। हमें देखो भाई, 30,000 रुपए डील लॉक हो गई है, डन हो गया। ओके ये क्या है? गुलाबों वाला पानी, इस पे क्या होना है? जिसके हाथ में आती है उसका जोर चलता है। जोर चलता है? नहीं नहीं, वैसे जो पकड़ लेता है उसका उसकी चलता है। लो ये तो मैं जीत गया फिर। चलो 3 आप लोगों ने काउंटडाउन करना, ठीक है? ठीक है। 3, 2, 1 आ रही है। तो फिर तो ये सोने की होनी चाहिए। वाह वाह, ये इकड़ा की होगी। पहले तो आंसर जिसकी होती है ज्यादा मेहनत करता। अच्छा जी, ये मेरी तरफ से जाओ मामा पास।
यही 40,000 दे दिया हमने, हमें सर हमसे कुछ नहीं मांगे, आपका मोबाइल घूम जाता, कहते हैं जो देते हो वो वापस आता तो देखा हमारा जल्दी नहीं आ गया। चलें जी गाइस, सारी रस्में वस्में हो गई हैं, बहुत मजा आया, बड़ा एंजॉयमेंट माहौल था, अभी एकदम मूड फ्रेश हो गया, लेकिन मैं इतना थक गई हूँ कि अब मैं ये सारी पहले तो ज्वेलरी रिमूव करूंगी, बिकॉज मैं ये नोज पिन पहन पहन के थक गई हूँ। अभी से थक गई हो, अभी तो एक और सरप्राइज है, तुम चलो ज्वेलरी वगैरह उतार दो ताकि थकी हो, इजी हो जाओ, बाकी हम चलते हैं, ठीक है, रेडी हो जाओ एक और सरप्राइज तुम्हारे लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, ये मुझे गोल्ड की रिंग मिली है गिफ्ट में, जो मैं जीत गई हूँ, और मैं अरीब पे पूरी जिंदगी हुक्मरानी करने वाली हूँ, और जो मेरा ऑर्डर होगा यू विल से नो मैम, ओके पार्टनर यस, तो जी हजूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो मसला हो जाएगा, मैं जूरी शूरी निकाल के तो फिर मैं। सो गाइज, हम लोग घर की रस्मों वगैरह से हो चुके थे बिल्कुल फ्री, और मैं इतना ज्यादा थक गई थी, आपको पता है कि मैं सुबह 4 बजे से लेके अपने इवेंट तक और घर आने तक कितनी देर तक तैयार होकर बैठी थी, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। मैंने अपना हेयर डू सारा खुलवा लिया, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की हेल्प से ना अपना सारा ये सर को, इतनी सारी पिंस निकली है कि मैं आपको क्या बताऊं। खैर, वो चुभ रही थी, लग रही थी, तो मैंने वो सारी जो है ना वो वैनिश कर दिया। नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, मैंने अपने घर से अपना सामान मंगवा लिया था, और घर से सामान आपको पता है कि मैंने वहाँ पे ऐसे पैकिंग की नहीं थी, इतनी शादी की तैयारियों में बिजी थी, तो सिर्फ अपना ये एक ड्रेस मंगवाया और बाकी जो कल ड्रेस पहनना नाश्ते के टाइम पे वो मंगवाया। अब जो है वो अगला सरप्राइज का मैं वेट कर रही हूँ, अरीब साहब कह रहे हैं कि जी एक और सरप्राइज है, पहला सरप्राइज था फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छे से वेलकम हुआ, इतने फन तरीके से रस्में हुई है ना, मुझे बहुत मजा आया, और मुझे ना ये चीज हमेशा मैं आइडियलाइज करती थी, हमें शादी में ऐसे करूँ ऐसे करूँगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था, एंड आई एम सो हैप्पी। और दूसरी चीज ये है कि वो सरप्राइज जो है वो मुझे जहां तक डाउट हो रहा है ना, दूसरे वाला गरीब ने मुंह दिखाई वाला देना होगा, बट वो क्या मिलेगा, वो कैसे होगा, वो मैं सारा आपको बताऊंगी लेकिन अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, क्योंकि कल मेरे फैमिली ने नाश्ता भी लेकर आना है, और कल जो मुंह दिखाई पे मुझे गिफ्ट मिलेगा मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। तो आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है एस्ट्रोलॉजी के साथ, स्पेशली मेरे साथ, तो मुझे अपनी दुआओं में मेरी फैमिली को याद रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।